पार्टी। खुश हो, किधर आया हो बेटा? गार्डन में। ईशी को ए साइड में भागो। कहाँ जा रहे हो? गार्डन में। अरे रुक जा, साइड में। इधर है, इधर है, इधर की तरफ है। चलो आगे। हाँ हाँ चल। वाओ, चल इधर इधर से आओ। खुश हो, इधर से है क्या रास्ता है? वो देखो ना, दिखाई दे रहा है इनको, वो तो दिख गया। वो वापिस इधर से। खुश हो, इधर आओ, इधर आओ। चलो, ये तो रोज आ जाए, इनको तो स्लाइड वगैरह। चलो हाँ, मेरे को बहुत जरूरत है। हाँ रुक जाओ, नीचे उतरना है। हाँ हो जाए, झूले वगैरह। ये इतना दूर आपको मिला कैसे ये गार्डन? कहीं सर्च किया था या किसी ने बताया? बस हाँ, यहाँ से चढ़ो। यहाँ पे इशिका, यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या पकड़ू? हाँ आ जाओ, आ जाओ। हाँ चलो चलो, इधर की तरफ चलो। वो स्लाइड करना है, वहीं बैठ जाती। करो आप, पहले फिनिश करो। जाओ बाय खुशु, अच्छे से पकड़ के जाना। ओके, हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और अभी मैं शाम से शुरू कर रही हूँ आज का ब्लॉग, और बच्चों के हॉलीडे स्टार्ट हो गए, तो मैं खुशी को थोड़ा लेके आई थी गार्डन में घूमने के लिए। तो हमारे जो फ्लैट है उसके सामने वाले फ्लैट में ही एक दीदी रहते हैं, उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा भी वहाँ जाता है, तो आपके बच्चों को बोर मार रहा है, तो चलो शाम में घूम के आते हैं। तो हम लोग, वो गार्डन था थोड़ा घर के पास में ही था, तो हम लोग वहाँ पे आए थे घूमने के लिए, थोड़ा एक डेढ़ घंटा बच्चों को मस्ती करवाने के लिए, तो उनका टाइम पास हो जाता। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग, हम लोग शाम को आ गए थे थोड़े टाइम बाद, और फिर उसके बाद डिनर वगैरह किया था, और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है। और आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी, तो मैंने सोचा एक बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, बट मैंने सोचा फिर से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर से बता देती हूँ। तो यहाँ पे बाकी सब सब्जियाँ तो मैंने कल आने के बाद ही कट कर ली थी, बट ये आलू और प्याज मैं सिर्फ छील के रखती हूँ, वो मॉर्निंग में कट करती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं ऐसे पहले से कट करके रखने से। और ये मैंने पहले भी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी पाव भाजी, बच्चों को बहुत पसंद आई और मेरी तो फेवरेट है। मैं तो कहीं पे भी रेस्टोरेंट में भी जाऊँ तो मेरे को पाव भाजी लेना बहुत पसंद है, मैं पाव भाजी ऑर्डर करती हूँ। और वैसे ही पाव भाजी लास्ट टाइम बनाई थी तो घर पर बन गई थी, तो बहुत टेस्टी लगा, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई थी वो। और इसमें इतनी सारी सब्जियाँ डलती तो अच्छा है, बच्चे भी खाए तो अच्छा है। तो ये सबसे पहले मैंने इसमें ये हरी मिर्ची ली है थोड़ी सी, और ज़्यादा नहीं डालूंगी, बच्चे खाते हैं। और ये दो बड़े छोटे प्याज हैं, और एक कैप्सिकम है बड़ा, और एक बड़ा कैरेट है, और ये पटेटो है जो कि तीन पटेटो छोटे वाले, और दो टमेटो है। और उसके बाद में आप और भी सब्जियाँ चाहो तो ऐड कर सकते हो, बीटरूट और गोभी वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहो वो ऐड कर सकते हो, जितनी भी सब्जियां, बीन्स वगैरह, बहुत सी सब्जियां डलती है, बट मेरे पास जितनी अवेलेबल थी मैं उतनी, और बीटरूट वगैरह नहीं डालती, बहुत मीठे मीठा लगने लग जाता है इसलिए वो नहीं डालती। और तो अब कुकर में इन सब्जियों को पहले उबालेंगे, तो सबसे पहले कुकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें पटेटो डाला है, और थोड़ा पटेटो को चलाएंगे जिससे कि ऑयल पूरा इसके ऊपर लग जाए, और उसके बाद में डालेंगे कैरेट और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको,
नॉनस्टिक कुकर नहीं है जो थोड़ा चिपक रहा है, और उसके बाद में कैरेट डाला है उसके अंदर और अच्छे से मिलाएंगे। और बाद में टमाटर डाल दिया, और ये सब डालने के बाद में एक चम्मच नमक डालूंगी जिससे कि ये जल्दी पक जाए और नमक वाला पानी इनमें जाएगा तो टेस्टी लगेगा। तो ये सब चीज़ें डाल दिए और उसके बाद में इसमें पानी डाला है, उतना पानी डालना है जो सब्जियाँ अच्छे से डूब जाए। और फिर उसके बाद में इस पे ढक्कन लगा के 4-5 सीटी लगानी, क्योंकि हमें सब्जियों को पूरा गलाना है, पूरा मैश करना है। और जब तक वो कुकर में सीटी लग रही है तो मैंने सोचा वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, तो वॉशिंग मशीन में अच्छे से क्लीन कर लिया थोड़ा बाहर से, यहाँ डस्ट आती है तो बहुत डस्ट लगी हुई थी। और अभी इसमें कपड़े डाल दूँगी, तो ये वीकली कपड़े मैं धोती हूँ, 1 वीक के बाद में ही तो हो जाते हैं बहुत सारे कपड़े। बच्चे और सब लोग सो रहे हैं तो अच्छा है कि जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को थोड़ा सा काम कंप्लीट करके फ्री होके फिर हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ बैठ के थोड़ी बातें करें, थोड़ा एंजॉय करें, अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जब तक वो सो रहे होते हैं तब तक 90% काम कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है, ट्राई करती हूँ, बट नहीं हो पाता हमेशा, तो थोड़ा बहुत तो कुछ रह ही जाता है पीछे। कपड़े डाल दिए मैंने, ये धुल जाएंगे जब तक मैं किचन का कर लेती हूँ। तो इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये पाव भाजी मसाला और बटर, 3 चीज़ें और यूज़ होगी। और उधर मेरी 3-4 सीटी बोल चुकी है, मैं 1 सीटी का वेट कर रही हूँ कुकर का। और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है कढ़ाई में, अब इन चीज़ों को पकाएंगे साइड में। और थोड़ा बटर डाला है, तो अभी ये प्याज और जो मैंने पीछे छोड़ा कैप्सिकम और हरी मिर्ची, उनको जिंजर गार्लिक पेस्ट को उनको अच्छे से पका लेंगे। तो सबसे पहले ग्रीन चिली डाला है मैंने और इसको अच्छे से पकाएंगे, फिर उसके बाद में इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। आप घर का यूज़ करते तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे पास मेरे को अभी इतना टाइम नहीं था तो मैं कभी कभी जल्दी रहता तो यही डाल देती हूँ। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के थोड़ा इसको चलाएँगे अच्छे से, और फिर उसके बाद में इसमें अनियन डालेंगे और अनियन को भी ब्राउन होने तक अच्छे से पकाएंगे। तो ये मैंने अनियन डाल दिया और इसमें को अच्छे से पकाएंगे इनको। और फिर उसके बाद में कैप्सिकम बचा है, कैप्सिकम भी डाल के अच्छे से पकाएंगे। और कुकर मैंने बंद कर दिया, हो गया उसका 4-5 सीटी लग चुकी है, और देखिए अच्छे से मैश हो जा रहे हैं, अच्छे से पक गए ये, इनको अच्छे से मैश कर लेना है। पाव भाजी में ऐसा ही रहता है कि कोई सब्जी का पता नहीं चलता उसके अंदर कौन कौन सी सब्जियां, उसको मैशर से अच्छे से मैश कर लेना है। तो ये मैंने अच्छे से मैश कर लिया है इसको, और फिर जो ये प्याज और अनियन जो पक गए हैं उनमें थोड़ा मसाला डालेंगे। तो सबसे पहले लाल मिर्ची ऐड करेंगे इसके अंदर, आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हो, मैं बच्चों के हिसाब से थोड़ा। और फिर उसके बाद में हल्दी डाला थोड़ा कलर के लिए, और कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास है तो अच्छा रेड कलर आएगा, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और अब इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे, और मैं रबड़ से पूरा पैक करके रखती हूँ, कुछ भी गिरे ना उसके अंदर। तो फिर उसके बाद में ये मसाला डालेंगे, थोड़ा मैं कैमरा देख रही थी तो थोड़ा बाहर गिर गया। और इस मसाले को भी अच्छे से पका लेंगे, जब ये मसाला पक जाएगा तो ये कुकर वाला जो भी था पेस्ट जो बनाया था आलू वाला, वो उसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से चलाएंगे। अब सिर्फ 4-5 मिनट की बात है, 4-5 मिनट बाद हमारी पाव भाजी बन के रेडी हो जाएगी। 4-5 मिनट ढक के रख देते हैं, और ये पूरा अच्छे से पाव भाजी बन गई है, देखिए कितना अच्छे से बनी है। और ये नॉनस्टिक कढ़ाई को कभी भी इंस्टेंट नहीं धोना चाहिए, बहुत गर्म रहती है, उसको थोड़ा टाइम रख देना चाहिए ठंडा होने के लिए, फिर उसके बाद ही धोना चाहिए, नहीं तो उसका लेयर निकल जाता है। और भाजी बन चुकी है, पाव मैं बाद में जब लंच करेंगे तभी गर्म करूँगी, और अभी मैं चाय रख रही हूँ, अभी हस्बैंड को उठाऊँगी और अभी साथ में हम लोग चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद बहुत अच्छे से एनर्जी आ जाती है, और बाकी का काम जो पेंडिंग रहता है झाड़ू पोछा वगैरह वो सब भी करना है। तो सासू माँ यहाँ होते तो उनकी हेल्प मिल जाती है, पर अब वो यहाँ नहीं है तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। और बच्चे भी उठ गए, उनको भी दूध चाय वगैरह पिला दिया, हम लोगों ने पी लिया है, और स्टैंड वगैरह सब क्लीन हो चुका है अच्छे से। और अभी मैं ये रूम भी क्लीन कर दूँगी, और फिर झाड़ू पोछा बचेगा जो मैं फटाफट करके फिर ब्रेकफास्ट करूँगी उसके बाद में। तो ये रूम क्लीन हो चुका है, और किचन भी ऑलमोस्ट मेरा सारा स्लैब वगैरह अच्छे से क्लीन हो चुका है। और अभी उसके बाद में ये हॉल बचा है लिविंग रूम,
और इसको भी मैं अच्छे से कर दूंगी अभी क्लीन। बच्चे उठने के बाद तो टॉयज गिराते ही रहते हैं, मैं उनको बोलती हूँ। तो हम लोगों ने दो तीन बार सोचा कि काम वाली रख लेते हैं, मैं बात भी करके आई थी, पर मेरे सासू माँ बोलते हैं कि नहीं, वो अच्छे से काम वो नहीं करते हैं, कोनों में से और झाड़ू और अच्छे से नहीं निकालते, उनको पसंद कम आता है। तो बोलते हैं कि मैं करूँगी, मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और इससे मैं पूरे दिन बैठे बैठे क्या करूँगी, मेरे को बोर मारता रहता है, इसलिए मैं ये काम मैं कर दिया करूँगी। पर इसलिए हम लोगों ने नहीं रखी है, और अभी वो यहाँ पे नहीं है थोड़े टाइम के लिए, तो फिर थोड़े टाइम के लिए तो रख के क्या फ़ायदा। तो जब तक वो करना चाह रहे हैं ठीक है, उसके बाद काम वाली रख लेंगे। मेरे से इतना बच्चों का और ये नहीं होता, और साथ में ये ब्लॉगिंग भी स्टार्ट किया तो टफ होता है थोड़ा। पापा ने सिखा दिया आपको? पापा काम के है ना। पापा को बोलो कि मम्मा को घुमा दे बहुत सारा थोड़े दिन, मम्मा कितना काम करता है, घुमा दे थोड़ा सा। देखो हो गया, मतलब गिलता है। पापा को पूछो मम्मा का बर्थडे आ रहा है, क्या गिफ्ट दोगे? पूछो मम्मा का बर्थडे आ रहा है, क्या गिफ्ट दोगे? क्या गिफ्ट मम्मा जो मांगे वो दे देना। अगर वो नहीं मिले तो कहाँ जाना है आपको? वहाँ पे दीदी तो दीदी तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। फोटो नहीं खींच रही हूँ, वीडियो है। वीडियो आपने परेशान किया ना, आपको देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? शिका ले जाओ, कटोरी लेके जाओ नीचे अच्छे से। यार एक जगह बैठ के खा रहा हूँ। चलो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, नहीं चोकोबार है, चोकोबार। अच्छा अभी एक साथ में मत देना, नीचे बैठ जाओ। इनके बच्चों के मम्मी के लिए लेके आए हो? नहीं। वो क्या होता है ये बोल रही नहीं। क्यों अगर मम्मी के लिए नहीं लेके आए तो मम्मी को आपको शेयर करना पड़ेगा? नहीं नहीं ओके थैंक यू थैंक यू, मैं ऐसे ही बोल रही थी। अरे ऐसे ही बोल रही थी, अरे ऐसे ही बोल रही थी। और पाव भाजी बना रहे तो इतने सारे पाव आ गए हैं, मतलब भाजी बन चुकी है। और ये पाव है जो कि हमारे नाइट में भी काम आ जाएंगे। ओहो ये पक्का कुछ ना, ओहो हो कुछ ना कुछ उठा के लेके आ गए। मेरा आइटम कहाँ है? ओ मेरा, ये मेरी फेवरेट गुलपी है, मुझे यही पसंद है। और ये बच्चों के आई थिंक केक कप केक्स हैं। फ्रिज में रखना पड़ेगा, कोई बात नहीं।